वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। पूरे प्रदेश में उनका बोलबाला है। सियासत में कब किसकी चल जाए, किसका दाव उल्टा पड़ जाए, यह कहना मुश्किल है। शिवराज सरकार में भी ऐसा ही चल रहा है। शिवराज और नरोत्तम मिश्रा के बीच भले ही माना जाता है कि सब ठीक चल रहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिवराज की तारीफ में मंत्री ने ताली क्या बजाया कि उनका कुर्ता खींचते नरोत्तम मिश्रा नजर आए थे, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद उनको जमकर लोगों ने भी फटकार भी लगाई थी। वही अब इसका बदला मुख्यमंत्री ने ले लिया है। मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा हलचल मस्ती रहती है, मंत्रियों के बीच हमेशा खटपट होती रहती है। इस बार ये खटपट शिवराज सरकार के दो मंत्रियों के बीच हुई है। वही अब इसका बदला शिवराज ने ले लिया है। उन्होंने नरोत्तम पे निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा जिस अफसरों की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उनका मामा ने उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने चुटकी में इधर से उधर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि सरकार में किंग तो वही है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल रामनवमी को खरगोन में हुए सांप्रदायिक घटना में पदस्थ जिन अफसरों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्लीन चिट दे चुके थे, उनकी जमकर तारीफ की थी। अब ये दोनों अफसर सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का शिकार हो गए। खरगोन दंगे के लिए अफसर कितने जिम्मेदार है? गृह मंत्री ने कहा था कि अफसर मुस्तैद थे, तभी तो एसपी को गोली लगी, टीआई का सर फटा, पुलिस के 5 जवान घायल हुए, जिस पे कार्रवाई चाहते हैं उनपे तो दंगा नियंत्रित कर रहे थे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा दी गई इस क्लीन चिट को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि 14 मई को सीएम शिवराज ने खरगोन दंगे में गोली लगने से घायल एसपी सिद्धार्थ चौधरी को हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ कर दिया। आईपीएस चौधरी के अलावा एसएसपी नीरज चौरसिया को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। वहीं खरगोन कलेक्टर अनुग्रह पी को भी दिल्ली भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुना में पुलिस हत्याकांड में भी ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को सीएम ने हटा दिया है। वहीं इसका कारण ये है कि आईजी शर्मा घटनास्थल पर करीब 7 घंटे बाद पहुंचे थे। शर्मा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके ग्वालियर में हुई पोस्टिंग के पीछे भी राजनीतिक कारण बताए जाते हैं। यहां पहले भी ग्वालियर आईजी के पद के लिए श्रीनिवास वर्मा का ही आदेश हुआ था, लेकिन अचानक समीकरण बदले, वर्मा की तब ज्वाइनिंग नहीं हो सकी थी, लेकिन अब शर्मा को हटाकर वर्मा को ग्वालियर आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस पर लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच कहीं खटपट तो नहीं चल रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।